लैंडस्लाइड से पूरे पूरे मकान ढह गए हैं। और एक आगे भी है गणेश। हम पहुंच गए कैची धाम। कर ले बेटा, कर ले फटाफट। तो अपने आप ट्रैक्टर से कट रहा है, उसमें स्टोर भी होता जा रहा है अभी। बैग नंबर एक, बैग नंबर दो, बैग नंबर तीन, दोना नंबर एक दो तीन, और पैसेंजर नंबर एक दो और तीन। और हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आपको थंबनेल में देख के पता चली गया होगा, हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी उत्तराखंड जर्नी की। और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 5, मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। हमारा जो प्लान है वो है पूरा अल्मोड़ा तक का, और ये एक हफ्ते का टूर होने वाला है। तो बने रहिए सफर में, सब कुछ दिखाएंगे आपको यहाँ से, पूरी हल्द्वानी चक की जर्नी। ऐसे पहले भी एक ब्लॉग में मैं दिखा चुका हूँ, बट वो मैंने नाइट में कवर किया था, और इस बार हम डे में कवर करने वाले हैं। तो सब कुछ दिखाएंगे, टोल क्या टोल है, क्या रोड कंडीशन है इस समय। और आज डेट है 26 अप्रैल 2023। तो बने रहिएगा जर्नी, मिलते हैं आपसे सीधे गाड़ी में, और उसके बाद फिर सीधे रास्ते दिखाएंगे आप। और इस बार ओली भी जा रहा है हमारे साथ। ओली हमारे साथ एक ट्रिप कर चुका है माउंटेंस की स्पीति, और इस बार ये पहली बार उत्तराखंड भी जा रहा है हमारे साथ। अभी बहुत छोटा था जब की थी 3 मंथ्स का, अभी 10 मंथ का हो चुका है, और बहुत एक्साइटेड है ट्रिप के लिए ये भी और हम भी। तो हम आ गए अपनी गाड़ी में और यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और यात्रा की शुरुआत करते हैं हम गोलू देवता का नाम लेके। तो गोलू देवता की जय, और यात्रा मंगल में है हमारी। और दो रूट दिखा रहा है अभी हल्द्वानी के यहाँ से, एक दिखा रहा है हसनपुर मुरादाबाद रुद्रपुर होके, और दूसरा है मेरठ बिजनौर होके। तो हम ये दूसरा रूट लेंगे यहाँ से, सॉरी पहला वाला थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। और 330 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और टाइम दिखा रहा है 8:30 घंटे का ऑलमोस्ट यहाँ से। और अभी टाइम हो रहा है 5:29। बाकी की गाड़ी में हवा पानी तेल सब कल दलवाई लिया था, तो टाइम हमारा अभी बच जाएगा। और ये सुबह सुबह द्वारका का कुछ सीन ऐसा, दिन में तो पूरा जैम पैक रहता है ये फ्लाईओवर, बट इस समय अभी सुबह मॉर्निंग के हो रहा है 5:40, तो इस समय अलग ही गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं, बट उतना रश नहीं है अभी। और सनराइज़ हो रहा है ये सुबह सुबह, एकदम लाल लाल सा आसमान। और बाकी ये अपने ओलिवर फुल इन्जॉय करते हुए आगे बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एसी का वेंट है, इसको लगती गर्मी, इसलिए इसमें घुसा रहता है पूरा मुंह डाल के, और ये पूरे रास्ते ऐसे ही बैठेगा। जय करो। अभी हमने जस्ट अक्षर धाम क्रॉस किया है, और टाइम हो गया है 6:16, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हमको 50 मिनट लग गए यहाँ तक पहुँचने में, थोड़ा सा रनिंग ट्रैफिक था। तो अभी हम चल रहे हैं ये मेरठ एक्सप्रेस वे पे, 10 किलोमीटर पे हम आ गए हैं अक्षर धाम से। एकदम सीधी रोड है, बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। पहले ये पुराना ओल्ड रोड था, ये जो बगल में चल रहा है, और ये पूरा नया बना हुआ है। और सीधे चलना है, अभी कहीं नहीं मुड़ना हमें, फिर लखनऊ होते हुए निकलेंगे। टाइम हो गया 6:39, मेरठ 44 किलोमीटर यहाँ से। हमने हापुड़ वाला कट छोड़ दिया था, तो फिर हमें वापस यूटर्न मार के आना पड़ा, और यूटर्न मार के हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ा, फिर वहाँ से फिर हमने एक कट लिया, और अब हम आ गए हैं NS24 पे, ये अपना लखनऊ वाला रूट। और अब हम एकदम सही रूट पे, वहाँ से टाइमिंग भी हमारी बढ़ गई थी और किलोमीटर भी बढ़ गए थे। जब इस रूट पे आओ तो वो ध्यान रखना, हापुड़ वाला जो कट है वो मिस मत करना, अदरवाइज थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपका। और अब सही दिखा रहा टाइम एकदम, चलते हैं फटाफट। अभी टाइम हो गया है, और इस पूरी जद्दोजहद में हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया, तो अभी हो गया है 7:09, 7:09, और पूरा आधे घंटे का हमारा टाइम जो था वो वेस्ट हुआ है इस पूरे उसमें। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वापस ट्रैक पे आ गए हम, निकल रहे हैं सीधे फटाफट यहाँ से मुरादाबाद होते हुए निकलेंगे। पहला टोल आ गया है, तो पहला टोल है इस रूट पे टेक्निकली, वैसे हम दूसरा, हमारा तो दूसरा हो गया क्योंकि हमने एक ईस्टर्न पेरिफेरल पे भी दिया था एक टोल, बट ये पहला टोल है, देखते हैं कितना कटता है। हाँ जी, खुल गया टोल, अभी देख। बाकी ओलिवर अपना इसको पीछे डाल दिया है, अभी परेशान कर रहा था आगे।
सांस देने की देर है, तुरंत दौड़ के आता है, बुलावा नहीं देना इसको। अभी हम हापुड़ क्रॉस कर रहे हैं और ये देखो इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है शहर के बीच में। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर, ये रास्ता जा रहा है नीचे, और यहाँ तक आने में हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए। थोड़ा सा आधे घंटे का वो बीच में जब हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे वो टाइम हटा दो तो फिर 2 घंटे का रास्ता है दिल्ली से पूरा। ये गढ़ मुक्तेश्वर के बाद ये दूसरा टूल आ गया। तो अगर झारसी से यहाँ तक की रोड कंडीशन की बात करें तो रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, कोई रफ पैच वैच नहीं है, एकदम स्मूथ रोड है, आराम से आए हम। तो अब ये सेकंड टोल है, तो ये है ब्रिज घाट वाला टोल। ब्रिज घाट वाला टोल हमने पार कर लिया है। और ये ममता लेके आई कुछ खाने पीने का, चटर बटर आइटम। और ऑली अभी तक सो रहा था, जैसे ही खाने पीने का टाइम निकला ये भी उठ गया। तो अभी तक तो रोड एकदम सही है, मक्खन रोड है, कहीं पे कोई रफ पैच ऐसा कुछ नहीं मिला, ट्रैफिक भी इतना नहीं है, रनिंग ट्रैफिक है, आराम से जा रहे हैं ट्रिप इन्जॉय करते हुए। अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, 5:28 यानी ऑलमोस्ट 5:30 पर निकले थे हम दिल्ली से, और अभी टाइम हो रहा है 8:19 यानी 8:19, तो वहीं अप्रॉक्स 3 घंटे के अराउंड हमको होने वाले हैं दिल्ली से निकले हुए। और अभी भी जो डिस्टेंस हमें कवर करनी है वो है 150, 330 था टोटल और 150 किलोमीटर पे दिखा रहा है यहाँ से हल्द्वानी, तो हमने आधे से थोड़ी सी कम कवर की है। तो देखते हैं अगर कहीं ब्रेक लेने का सीन बनता है ब्रेक लेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, अदरवाइज सीधा हल्द्वानी रुकेंगे। झारसी ब्रिज घाट के बाद ये तीसरा टोल इस रोड का, तो ये तीसरा टोल क्रॉस किया हमने जोया टोल, पहला झारसी था फिर ब्रिज घाट और अब ये जोया। बाकी टोल्स के जितने भी चार्जेस होंगे वो यहाँ पे वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना अभी करंट में क्या रेट चल रहा है टोल्स पे। रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी अभी तक, इसके आगे भी मुझे अच्छी दिख रही है, बाकी देखते हैं कैसा रहता है आगे का, होगा बता देंगे। ये देखिए एकदम नया बैच बने यहाँ पे, बीच में इस पर काम चल रहा था इस रोड पे, बट अब ये पूरी तरह से तैयार है। टाइम इट्स 9 AM और आगे यही रास्ता फिर लखनऊ के लिए भी कनेक्ट होता है आगे जाके। तो अभी हम अमरोहा क्रॉस कर रहे हैं। अमरोहा अपने उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर जॉन एलिया का बर्थ प्लेस है। ये छोटा सा टाउन है अमरोहा, ये देखिए अगल बगल आबादी, बीच से हाईवे जा रहा है, रोड यहाँ तक भी बहुत अच्छी है जो हमने क्रॉस किया। जॉन एलिया पहले यहीं के थे अमरोहा की उनकी पैदाइश थी, पर बाद में वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और फिर वहीं रहे, तो ये उनका बर्थ प्लेस है। आगे काठगोदाम डिपो जा रही है, वैसे यूजली रोडवेज की बसों का कलर ये होता नहीं है, बट इसका कलर एकदम अलग है ब्लू, अलग से PSC की या पुलिस की कोई गाड़ी हो। यह है उत्तराखंड परिवहन निगम की काठगोदाम डिपो, ये आगे स्मगलिंग वाला ट्रक जा रहा है जिसमें नीचे लकड़ी छुपा के ऊपर दूध डाल के तेल डाल के ले आते हैं। चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी फुसका वाली। तो जी आ गया है ये चौथा टोल जोया के बाद, ये आया लास्ट में, यहाँ से मुरादाबाद शहर का टोल है शायद, तो ये चौथा टोल है झारसी ब्रिज घाट जोया और उसके बाद ये, इसका नाम है नियामतपुर इकरौतिया, नियामतपुर इकरौतिया टोल प्लाजा। मुरादाबाद तक वो सीधा रास्ता था, अब वहाँ से ये जब आप उधर से आओगे तो ये रामपुर से, रामपुर वाले कट से ये अंदर को जाना है हमें, वहाँ तक रोड एकदम स्ट्रेट थी। गढ़ मुक्तेश्वर क्रॉस करते हुए जो मेरे वाले रूट से हम आए थे सीधा रास्ता था, कहीं नहीं मुड़ना था, उसके बाद अब ये रामपुर वाले कट से अंदर को जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, वहाँ तक तो पीछे तक रोड बहुत अच्छी थी, NH9 चल रहा था, अभी सीधे रास्ता वो लखनऊ के लिए निकलता है। अब इसमें देखते हैं आगे रोड कंडीशन कैसी होने वाली है, अभी तक तो अच्छी थी। तो अभी हमने छोटा सा पी ब्रेक लिया है ओली को थोड़ा सा यहाँ पे पॉटी का सुसु करवाने के लिए, कर ले बेटा कर ले फटाफट,
ओ सामने खेत में देखे गेहूं की कटाई हो रही है। वो अपने आप ट्रैक्टर से कट रहा है, उसमें स्टोर भी होता जा रहा है पीछे। तो अभी हम रामपुर शहर क्रॉस कर रहे हैं, शहर के बीच से निकल रहे हैं इसलिए ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है हल्द्वानी के लिए। हसरते लखनऊ तो बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली तो कातिलाना रामपुर। तो रामपुर के चक्कू बड़े फेमस हैं। रामपुर से हमने लेफ्ट ले लिया ये हल्द्वानी वाला। अब यहाँ से कितना है 77 किलोमीटर है यहाँ से, वही अप्रॉक्स 1.5 आवर और लगेगा यहाँ से हमें। तो ये है इस रूट का 5वां टोल रुद्रपुर वाला। बाकी ओली को हमने पॉटी और शुशु करवा दी थी वहाँ पे रामपुर के पास, तो अभी आराम से बैठा हुआ। ये रोड तब जब हम लास्ट टाइम आए थे तब ये रोड बन रही थी, लास्ट ईयर जब हम आए थे अप्रैल में, और बीजी में डाइवर्जन थे, बट अब ये बन के तैयार हो गई है। इस रोड पे बस एक ही दिक्कत है कि इसमें इस रोड पे ये जो लोकल्स हैं ये रॉन्ग साइड बहुत आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से चलना। ये देखिए सामने से आ रहा है लेफ्ट तो तब भी ठीक है, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ राइट में डिवाइडेड साइड रॉन्ग साइड आ रहे हैं एकदम से, 2-3 लोग मेरे सामने से आ गए, कभी बाइक वाला कभी ट्रैक्टर वाला आ गया था रॉन्ग साइड। तो ये इस रूट पर ये सबसे बड़ा रिस्क है ये देखो, क्योंकि लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए देखो बाइक वाला आ रहा था सामने से, तो आप डिवाइडर साइड भी देख चला सकते हो, कहाँ गाड़ी लेके आ रहा है उल्टा ये, तो इस रूट पे ये दिक्कत है। यहाँ से हल्द्वानी के लिए राइट ले रहे हैं, सीधे रास्ता जा रहा है काशीपुर और राइट में पंतनगर और हल्द्वानी। अब वो टाटा का जंगल शुरू हो जाएगा अभी आगे से, ये शुरू हो गया वो जंगल वाली रेंज जहाँ से हम पिछली बार रात में निकले थे और इस बार डे में जा रहे हैं। पिछली बार ये रोड थोड़ी सी चौड़ी की जा रही थी, इस बार ऑलमोस्ट काम हो गया है, ये बनते हुए आ रही है आगे से। जंगल की दोनों तरफ जंगल है, बीच में रोड, पहले ये रोड जो थी ये जो वाइट लाइन दिख रही है इसकी बीच में थी, और अभी देखो ये साइड में 1-2 मीटर करीब रोड और चौड़ी कर दी है इस तरफ, और ये दोनों साइड काम होगा उस तरफ भी चौड़ी हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी विड्थ हो जाएगी रोड की, क्योंकि इस पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है और तो गाड़ियाँ भी तेज़ चल रही हैं, रोड की जो विड्थ थी काफ़ी कम थी, तो इसलिए चौड़ी करने का काम हो रहा है। ये जितनी भी पुरानी रोड है वो सब में ये काम चल रहा है, अगर देखो अब कितनी चौड़ी लग रही है यहाँ से वहाँ तक। अभी यहाँ ब्रेक के लिए रुके थे, ब्रेक के लिए एक्चुअली चाची के आ गए थे हम हल्द्वानी। ये भाई अपना आलू खुश हो रखा है, बहुत जैसे गाड़ी में बैठा हुआ था, अब निकला है बाहर और खड़ी अपनी गाड़ी। तो अभी अंदर जाते हैं देखते हैं घर में है कि नहीं, चाची फ़ोन नहीं उठाती। कम 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 कम। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चाची के वहाँ से, हम 11:30 बजे करीब पहुँच गए थे, अभी टाइम हो रहा था 3:30, तो हमने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का यहाँ पे रेस्ट लिया, खाना ना खाया। अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं वापस अल्मोड़ा के लिए, 4-4.5 घंटे की जर्नी और है हमारी यहाँ से अल्मोड़ा की। आओ चाची आ जाओ, आ जाओ, आओ चलो, बाय ओली, बाय बाय बाय, चलो ओलिवर के सही मज़े हो रहे हैं यहाँ पे, खुला खुला एरिया है। अबे पार्टी कर रहा इसको, हम जा रहे हैं ना तो फटाफट करने लगा। ये पायलट बाबा आश्रम, ये वो बजरंगबली महाराज की इतनी बड़ी स्टैचू देखो भगवान बजरंगबली का, और एक आगे भी है गणेश जी होंगे आगे। तो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, चढ़ के गए काफी देर से पहाड़ों में घूम रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया हमें हल्द्वानी से निकले हुए, 3:30 बजे के ग्राउंड निकले थे वहाँ से, और अभी टाइम हो रहा है 5:10, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हमें यहाँ से अल्मोड़ा। अब ज़्यादा दूर नहीं है, 56 किलोमीटर दिखा रहा है,
थोड़ा सा हमारा एस्टिमेटेड टाइम बढ़ गया क्योंकि इतनी स्पीड मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, पहाड़ों पर थोड़ा सा ट्रैफिक था पीछे। अब थोड़ी खुली रोड मिली है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली अंधेरा हो ही जाएगा पहुँचते पहुँचते क्योंकि 5 ऑलरेडी बज चुके हैं और सनसेट भी होने वाला है। थोड़ी थोड़ी सी धूप बची है पहाड़ों पर, देखो अभी जस्ट भवाली क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है जैसे हम भवाली आए, नीचे से थोड़ा गर्म हो रहा था। रास्ता किया लेफ्ट कैंची धाम के लिए भवाली से, अभी हम प्रॉपर भवाली में। तो हम पहुंच गए कैंची धाम महाराज जी के आश्रम के जस्ट पास में। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो इतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, अभी तो यहाँ बहुत कुछ हो गया है, पार्किंग वार्किंग सब कुछ बन गई है, बहुत लोग आने लगे हैं यहाँ पे। गर्म पानी हमने क्रॉस किया अभी जस्ट, ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये रानीखेत की जा रहा है, रानीखेत यहाँ से ये पुल क्रॉस करके ये 30 किलोमीटर करीब यहाँ से रानीखेत है, हमें अल्मोड़ा जाना था, हम सीधे जाएंगे 33 किलोमीटर यहाँ से। ये मैं इस रोड पे पहली बार जा रहा हूँ इस तरफ से अल्मोड़ा, उधर से तो हम आए रानीखेत की तरफ से भी दूसरा रूट पड़ता है, बट अगर आप नीचे से हल्द्वानी जा रहे हो तो यही रूट पड़ेगा पास, और रानीखेत की तरफ से भी एक रास्ता है अल्मोड़ा का पीछे से, अभी इधर से आ रहे हैं तो इधर से पास पड़ेगा, अगर आप ऊपर से आ रहे हो रानी के साइड से तो वो रूट पास पड़ता है, शॉर्टकट है। मैं इस रोड में पहली बार जा रहा हूँ, ये रोड काफ़ी ख़राब रहती है बरसात में, लैंडस्लाइड बहुत होती है और कंडीशन रोड की बहुत ख़राब रहती है, कई बार बंद भी होती है रूट, तो उधर से फिर ट्रैफिक मूव किया जाता है। देखते हैं अभी क्या सीन आगे का रोड का, जगह जगह ये लैंडस्लाइड हो रही है। मिट्टी पूरी गाड़ी दूर से भर दी इसने, उसकी भी गलती नहीं है, रोड ही ऐसी है क्या करें। आगे की रोड कंडीशन बहुत ख़राब लग रही है, अभी देखना यहाँ से आगे एकदम ही काम भी चल रहा है, मैं देखा ऊपर से पूरी लैंडस्लाइड हो रही है और काफ़ी नीचे आ गए हम पहाड़ के एकदम तलहटी में है इस समय, बगल में आ गई नदी, अभी ऊपर से देख रहे थे इसको, चौड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, यही लैंडस्लाइड हुआ है, रोड बहुत ख़राब है, अभी पूरे पूरे पेड़ गिर गए। इसका हेलमेट अपने आप बंद हो गया स्कूटी वाले का, झटके लग गए, बहुत ख़राब रोड है यहाँ पे, मुझे लग रहा है बड़े थोड़ा सा पैच है छोटा सा 100 मीटर का करीब, उसके बाद आगे रोड ठीक दिख रही है, बड़ी बड़ी खराब है, ओए ओए पेट ढिल गया पूरा, और ये बेचारा पीछे बैठा है उसका भी पेट ढिल गया। अब यहाँ से थोड़ा रोड ठीक दिख रही है आगे, थोड़ा सा पैच था 50-100 मीटर का, 50 मीटर था मुश्किल से, उसके बाद ये रोड फिर से वैसी होगी। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और यहाँ से ये जो नया पैच शुरू हुआ रोड पे ये तो और भी ज़्यादा अच्छी है, चौड़ी रोड है एकदम सीधी लगी है, एकदम पहाड़ में अगर सामने वाले पहाड़ को इग्नोर करें तो, कितनी चौड़ी रोड है और एकदम नई बनी हुई है स्मूथ, ऐसी रोडें हमने उस तरफ देखी थी जब हम अरुणाचल गए थे स्पीति से पहले, रिकॉन्पियो साइड, इतनी बढ़िया बनी हुई है और ये पीछे काम चलता है, पीछे भी काम चल रहा है इसका, तो ये पूरा प्रॉपर बनते हुए पीछे जा रही है गर्म पानी तक। मज़ा आ रही है, बाकी टाइम हो गया है 18:20 यानी कि 6:22 हो गए शाम के,
सनसेट हो चुका है पूरी तरीके से, सनसेट हो चुका है। थोड़ी थोड़ी जो रोशनी है बस बची कुची बची है, थोड़ी देर में भी चली जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा उजाले में पहुँच जाए अल्मोड़ा, ताकि डायरेक्ट डाइट भी ड्राइव ना करना पड़े, ये जरूरी भी अच्छा है। बाकी हमने ऑल्डू आज की सुबह कुछ खाया नहीं, ऐसे ही बैठा है पानी लेके, उसका आज फास्ट हो गया। ये देखो भाई लैंडस्लाइड से पूरे मकान ढह गए हैं। आगे थोड़ा सा ब्लॉकेज है। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं हम अल्मोड़ा और टाइम हो रहा है 7:10। तो बस अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ममता की मौसी के वहाँ, और ममता का कज़न है मोहित, वो हमको लेने आ रहा है। तो अभी हम यहीं पे गाड़ी अपनी पार्किंग पर आकर उनके वहाँ चले जाएंगे और आज वहीं स्टे करेंगे। कल की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की, ममता के गाँव की, यानी कि मेरा क्या हुआ ससुराल, हाँ ससुराल की। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो फेस साफ नहीं आ रहे हैं। तो अगर पूरी जर्नी को समराइज़ करूँ तो हम 5:30 पे निकले थे दिल्ली से, 5:28 पे, और 11:30 तक हम पहुंच गए थे हल्द्वानी। हल्द्वानी में हमने 4 घंटे का स्टे लिया चाची के वहाँ, और 3:30 बजे अराउंड वहाँ से निकले, और वहाँ से हम अभी 7:10 पे हम पहुंच गए अल्मोड़ा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी रोड बहुत अच्छी थी, कहीं कहीं पे बीच में हल्द्वानी से अल्मोड़ा वाले में कहीं कहीं पे बीच में थोड़ा सा पैच खराब थी क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी ओवरऑल रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। तो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। अरे ऑली आज परेशान हो गया पूरा दिन। लो बाय बाय, गुड नाइट।